The BJP and the JDS people made the deputy chairman sit on the chair illegally when the bell was going on. The house was not in order. The BJP is doing such unconstitutional work and they have made the deputy chairman sit illegally. We as Congress people, we protested that. We asked him to get down from the chair. We had to evict him literally because he was an illegal sitting of the chair. कुछ एमएलए एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया, बहुत निंदनीय है। और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है कि जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है, आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। और मेरा अब ये आगे है, राज्यपाल से आग्रह है, इसका संज्ञान लें और उचित निर्णय करें।